सिसोदिया के घर पे ढोल बज रहे हैं, क्योंकि मनीष सिसोदिया लगभग डेढ़ साल के अंतराल के बाद मनीष सिसोदिया को जमानत मिली है। तो समर्थक परिवार वाले मित्रगण जो भी हैं ढोल बजा रहे हैं और यहां पर घूमकर नाचकर अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। 23 फरवरी 2023 का वो दिन था जब इसी घर से डिप्टी सीएम दिल्ली मनीष सिसोदिया उस वक्त थे, तब यहां से गए थे सीबीआई दफ्तर पूछताछ के लिए, लेकिन सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था। अब ये घर भले ही आतिशी को मिल गया है, लेकिन मनीष सिसोदिया का परिवार यहीं पर रहता है। और अब जब आज मनीष सिसोदिया को जमानत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई है तो समर्थक झूम रहे हैं। बताइए जी, बहुत इंतजार किया आप लोगों ने इस नारे के लिए, ताले टूट गए, मनीष सिसोदिया टूट गए। जिस प्रकार से हम सुप्रीम कोर्ट का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं, सत्यम जयते, सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है, क्योंकि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करी है कि इनको बेल मिल जानी चाहिए थी, निचली अदालत को बेल दे देनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारणवश नहीं दी, तो हम बहुत लोग खुश हैं। और अभी कुछ दिनों में हम चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भी जेल से छूट जाए और वो बाहर आए, जो दिल्ली के विकास कार्य रुके हुए उनको पूरा करें। शिक्षा मंत्री तुझे सलाम। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री हुआ करते थे, अब नहीं है, लेकिन आपको भरोसा है दोबारा शिक्षा मंत्री बन जाएंगे मनीष सिसोदिया? शिक्षा मंत्री वो देश के बनने वाले हैं, दिल्ली के नहीं। आम आदमी पार्टी की सरकार देश के अंदर बनेगी। जो उन्होंने मॉडल दिल्ली की क्रांति में शिक्षा क्रांति लेके रख दिया, वो पूरे देश के अंदर शिक्षा मंत्री बनकर करेंगे। एक सबसे बेहतरीन विश्व के शिक्षा मंत्री को जेल में डाला, आज दिल्ली नहीं पूरी देश की जनता देख रही है। मनीष सिसोदिया ईमानदार होकर ईमानदारी के साथ आज दोबारा देश की सेवा करेंगे। क्यों जी, मोरल बूस्ट हुआ है मनीष सिसोदिया की जमानत से? आज ये लोकतंत्र की जीत है और आम आदमी पार्टी पूरे देश के लोग इस बात के लिए खुश हैं कि जिस तरह से उनको गलत तरीके से 17 महीने तक उनको जेल में रखा गया, ये आज लोकतंत्र की जीत है। जो बच्चों के भविष्य को सुधारने के लिए काम करते थे, आज मनीष सिसोदिया जी को जिस तरह से जमानत मिली है बिना शर्त, ये मैं सुप्रीम कोर्ट को हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और ये लोकतंत्र की जीत है कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जिंदाबाद। तो लड्डू जो है, मिठाई जो है, यहाँ लगातार आ रही है। क्यों जी, पार्टी के लिए कितनी बड़ी बात है मनीष सिसोदिया की जमानत? देश की अच्छी राजनीति, एक ऐसे नेता जिन्होंने देश के अंदर शिक्षा क्रांति की शुरुआत की, आज वो जेल से बाहर आ रहे हैं और आज उनका इतना बड़ा कद हो गया है कि हर आदमी उत्साहित है, कार्यकर्ता उत्साहित है। आज देश के अंदर संदेश क्या है कि लोगों का भरोसा न्याय प्रणाली पर, न्याय व्यवस्था पर और सुदृढ़ होगा। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने आज सच्चाई की लाज रखी है। और ये जीत बहुत बड़ी जीत है कि आज 17.5 महीने बाद दिल्ली के लोकप्रिय हमारे जो नेता हैं मनीष सिसोदिया जी बाहर आ रहे हैं। आज मुख्यमंत्री का, उप मुख्यमंत्री का पद बहुत छोटा रह गया उनके लिए, इतना बड़ा कद उनका बन गया मुझे लगता है। शुक्रिया। तो ये अभी समय लगेगा अभी मनीष सिसोदिया को बाहर आने में, औपचारिकताएं हैं जो पूरी करनी होती हैं, लेकिन वो तो जब होंगी तब होंगी। लेकिन कार्यकर्ता जो हैं, जो समर्थक हैं, उनमें मनोबल बढ़ा है। आखिर डेढ़ साल के बाद में पार्टी का इतना बड़ा नेता नंबर 2 है आम आदमी पार्टी में, और लगभग 1.5 साल 530 दिन 17 महीने से ज्यादा जेल में रहने के बाद जब छूट कर आ रहे हैं दिल्ली शराब नीति मामले में, तो अब कार्यकर्ताओं में